में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसके अंतर्गत आज हम जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इंडिगो, उसको समझेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है इंडिगो, उसको आज हम समझेंगे। इंडिगो का अर्थ होता है नील। नील की खेती के बारे में है। और ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये इसके जो ऑथर हैं, उनका नाम है लुइस फिशर। 1896 टू 1970 वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया। इनका जन्म हुआ था 1896 में, और इनकी जो डेथ हुई थी, वो हुई थी 1970 में फिलाडेल्फिया में। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। फिशर मेड अ कैरियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। ये ब्रिटिश आर्मी में भी रहे, और इन्होंने इसके बाद में अपना कैरियर एज अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकारिता के रूप में किया, और न्यूयॉर्क टाइम्स में इन्होंने काम किया। द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, साथ में इन्होंने यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशन के लिए भी कार्य किया। ही वॉज ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। वो फैकल्टी के सदस्य भी रहे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट From his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. अब ये जो प्रस्तुत चैप्टर जो हम समझने जा रहे हैं, ये किसके उससे लिया गया है, तो ये पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उनके उससे ये अंश प्रस्तुत किया गया है। और ये जो बुक थी, जो लिखी हुई थी महात्मा गांधी पर, ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बेस्ट बुक्स में मानी जाती है। नेक्स्ट देखें बच्चों, तो अब लुइस फिशर अपने अनुभव को लिखते हैं। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, मतलब लुइस फिशर लिखते हैं कि जब मैं पहली बार 1942 में गांधी जी से सेवाग्राम में मिला, इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में, ही सेड, गांधी जी ने कहा, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1970. उन्होंने फिशर से कहा कि मैं तुमको बताता हूँ कि किस प्रकार से मैंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए तैयार, मतलब शुरू किया था वो आंदोलन 1917 में, आग्रह किया था उनसे कि वो भारत को छोड़ें। He had gone to the December 1916 Annual Convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors during the proceedings, Gandhi recounted. अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि गांधी जी कह रहे थे कि जब मैं 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में लखनऊ गया हुआ था, वहाँ पर 2,301 प्रतिनिधि आए थे और बहुत सारे आगंतुक आए थे। Visitors means आगंतुक, डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड एमिशिएटेड, एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। अब यहाँ पर गांधी जी बताते हैं, उस समय की चर्चा करते हुए उनको बताते हैं कि पीजेंट यानी स्मॉल फार्मर, एक छोटा किसान उनके पास आया, और वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे भारत के अन्य किसान दिखाई देते हैं, गरीब, एमिशिएटेड मतलब वीकेंड, बहुत दुबला पतला। और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट या आप मेरे जिले में आए। गांधी जी ने कभी भी इस स्थान के बारे में सुना नहीं था, जो कि था हिमालय, तिमिर हिमालय के फुट हिल्स मतलब निचले वाले इलाके में, किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के पास था। नेक्स्ट देखें बच्चों, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स, राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, ही हैड कम टू द, अब यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे कि एंशियंट यानी परंपरागत प्राचीन, जैसे कि प्राचीनतम व्यवस्था चली आ रही थी, चंपारण क्षेत्र के जो किसान थे वो सब कहते थे शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर मतलब वो पूरे तरह से स्वामी नहीं थे उस खेत के और उसमें होने वाली फसल के,
वो क्या करते उनको एक हिस्सा मिलता था, बटाईदार जिसको बोला जाता। हियर द शेयर क्रॉपर मीन्स इज बटाईदार। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक एक थे। वो अनपढ़ जरूर था लेकिन बहुत दृढ़ निश्चयी था। वो मेरे पास आया टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। वो यहाँ पर गांधी जी से मिलने इसलिए आया था क्योंकि वो कांग्रेस सेशन के समय जो इनजस्टिस, जो अन्यायपूर्ण हुआ था वहाँ के जो बिहार के लैंडलॉर्ड सिस्टम में, उसके बारे में शिकायत करने आया था। और किसी ने उनसे कहा था कि तुम गांधी जी से जाकर के ये बात बोलो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब गांधी जी ने शुक्ला से ये बोला था कि उनका पहले से ही कानपुर जाने का अपॉइंटमेंट है और वो साथ साथ दूसरे देशों, अपने भारत देश के दूसरे हिस्सों में भी जाएंगे। शुक्ला accompanied with him everywhere। अब शुक्ला उनके साथ हर जगह जाने लगे गांधी जी के साथ। क्यों जाने लगे? क्योंकि शुक्ला जी तो थे, वो गांधी जी को चंपारण ले जाना चाह रहे थे। Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. उसके बाद गांधी जी अपने आश्रम अहमदाबाद आ गए। वहां पर भी शुक्ला उनका पीछा करता रहा और कई हफ्तों तक उसने गांधी जी को साथ नहीं छोड़ा। Fix a date, he begged. उसने बहुत अनुनयपूर्ण ढंग में बोला कि कोई एक तारीख हम फिक्स कर लेते हैं। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. अब यहाँ पर जब उन गांधी जी ने देखा कि राजकुमार शुक्ला तो बार बार उनके साथ हैं, उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं और बहुत फिर्म डिटरमाइंड है, तो उन्होंने क्या कहा, बड़े उसकी मजबूती, टेनेसिटी मीन्स मजबूती, उनकी मजबूती और उनकी कहानी को सुनकर गांधी जी ने कहा कि मैं कलकत्ता आऊँगा इन इन तिथियों पर, उनको डेट बताई, तब मुझे वहाँ आकर मिलना और मुझे वहाँ से ले चलना। अर्थात गांधी जी ने शुक्ला को बोल दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ इस तारीख पर चलूंगा। नेक्स्ट देखें। मंथ्स पास्ड, शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हंचेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। अब इस बातों को हो गए, महीनों गुजर गए, लेकिन शुक्ला को जो गांधी जी ने डेट दी थी तो वह हंचेस यानी उकड़ू बैठते ना, तैसे उकड़ू ढंग से बैठ करके वहां पहुंच गया जहां गांधी जी आने वाले थे कलकत्ता में। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री। वो उतने समय तक इंतजार करने लगा कि जब तक गांधी जी फ्री हो जाएं। Then the two of them board a train for the city of Patna in Bihar. और वो दोनों पटना सिटी के लिए निकल गए जो कि बिहार में थी। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party of India. और वहाँ से जो राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी को कहाँ ले गया? राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे ले गया। ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे और बाद में वो भारत के प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन हु पोस्ट पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। राजेंद्र प्रसाद उन दिनों घर से बाहर थे लेकिन उनके जो सर्वेंट्स जो वो थे, सेवक लोग थे, वो जानते थे शुक्ला को क्योंकि शुक्ला कई बार उनसे मिलने आ चुका था नील के बटाईदारों की मदद के लिए। So they let him stay on the ground with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? अब यहाँ पर जो servants थे उनने बोला ठीक है राजेंद्र प्रसाद जी तो यहाँ नहीं है इसलिए आप दोनों यहाँ पर रुक जाओ। सर्वेंट्स ने यह भी सोचा कि जैसे शुक्ला एक पीजेंट है ऐसे गांधी जी भी होंगे और उन दोनों को बोल दिया कि आप लोग कुएं से बाल्टी से पानी नहीं निकालो क्योंकि आप अनटचेबल, अनटचेबल मतलब अछूत है। उनको यह भी नहीं मालूम था कि कौन टचेबल है और कौन अनटचेबल। उन्होंने कहा कि उनको एक ऐसा अछूत टाइप का व्यवहार किया कि आप इससे जो कुआं है उससे पानी नहीं निकाल सकते। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एंड रोड टू चंपारण। गांधी जी सबसे पहले कहाँ गए? मुजफ्फरपुर गए जो कि चंपारण की रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ एम्पेयरिंग।
और वो वहां जाकर मुजफ्फरपुर में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते थे इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के लिए, मतलब जो नील के खेती करने वाले किसान थे उनके बारे में ज्यादा जानकारी इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि उनको ये लगता था कि शुक्ला जो भी न्यूज दे रहा है वो उतनी परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम और ज्यादा जानकारी यहाँ से प्राप्त कर लें। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan School. अब वहां मुजफ्फरपुर जा करके वो किससे मिले, उन्होंने एक टेलीग्राम किया जो कि प्रोफेसर को लिए था, वो प्रोफेसर का नाम था J.B. Kriplani, जो कि आर्ट्स कॉलेज में क्या थे, प्रोफेसर थे। और उनको गांधी जी कहाँ मिले थे, टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। नेक्स्ट देखें बच्चों, Arrived at midnight, 15th April 1970, Kriplani was waiting at the station with a large body of students. अब जब वहां पर गांधी जी वहां पहुंचे अर्धरात्रि के समय, उस समय तारीख थी 15 अप्रैल 1917। Kriplani, जो प्रोफेसर Kriplani थे, वो अपने बहुत सारे लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक अच्छी खासी भीड़ विद्यार्थियों के लेकर के वो वहां पर स्टेशन पर पहुंचे। गांधी स्टेड देयर फॉर टू डेज इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। अब गांधी जी वहां पर दो दिन रुके, लेकिन वो दो दिन किनके यहाँ रुके, प्रोफेसर मलकानी के यहाँ पर। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो प्रोफेसर मलकानी थे वो कौन थे, वो गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बोर अ मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उन दिनों, जो कि होम रूल से जुड़े हुए लोगों को और इस प्रकार से जो आंदोलनकर्ताओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल में अपने घर में रुकने देते थे, तो उस समय ये बहुत बड़ी बात थी कि गांधी जी को प्रोफेसर मलकानी ने रुकने की आज्ञा दे दी। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब गांधी जी यहाँ पर आए हैं, ये वाली जो सूचना थी और उनका मिशन क्या है, उनका उद्देश्य क्या है यहाँ पर आने का, ये वाली जो बात थी बहुत तेजी से मुजफ्फरपुर में और वहां से चंपारण तक ये खबर पहुंच गई कि गांधी जी यहाँ पर आ चुके हैं और उनका उद्देश्य इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के बारे में काम करने का है। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेनेंस टू सी देयर चैंपियन। अब चंपारण के जो जितने शेयर क्रॉपर थे, वो कोई तो पैदल आ रहे थे क्योंकि बहुत गरीब स्थिति में थे, और कुछ जिसको जैसा साधन मिल जाता था, सब बिल्कुल अपने चैंपियन, अपने उसको गांधी जी को देखने के लिए दौड़ रहे थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट, दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। अब मुजफ्फरपुर में जो भी वकील थे वहां पर, वो सब क्या हुआ, गांधी जी लॉयर से ना वकील वहां के वकीलों से मिले, तो उनने सब उन्हें ये बताया कि किस प्रकार से जो किसानों का जो समूह है वो उनके पास आता है, अपने केस कोर्ट में लगवाता है, और इसके बाद में उनको किस प्रकार से फीस स्ट्रक्चर दिया, कैसा फीस दिया जाता है, मतलब गांधी जी ने वहां के लॉयर्स और वहां के शेयर क्रॉपर्स उन केस स्टडी पर काम किया। गांधी Chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. Chided मतलब उनको scold किया, थोड़ा डांटा। गांधी जी ने उनको डांटा उन lawyers को कि आप इन sharecroppers से इतनी बड़ी fees amount ना लें। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. उन्होंने कहा वकीलों से कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हम सबको अब law court में जाना, यानी वैधानिक न्यायालय में जाना बंद कर देना चाहिए। Taking such cases to the courts does little good. ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि इन सारे केसेस को हम कोर्ट में ले जाएं। वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। Where the peasant are so crushed and fear stricken, law courts are useless. The real relief from them is to be free from fear. अब उन्होंने क्या बोला कि बार बार इनको हम न्यायालय की शरण में ले जा रहे हैं, वहां पर जाने से crushed ये तो नष्ट भी होते जा रहे हैं, इनका पैसा खर्च हो रहा है, ये परेशान रहते हैं, ये डरे रहते हैं, आतंकित रहते हैं, इसलिए वहां जाना, लॉ कोर्ट जाना यूजलेस है। अब हमारे को सबसे अधिक काम क्या करना है कि इनको, हमको जितने शेयर क्रॉपर हैं, इन सबको हमको फ्री फ्रॉम फेयर यानी डर से मुक्ति दिलाना है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चैंपियन डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इन टू लार्ज नेक्स्ट
by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo or surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब वहाँ पे देखा तो चंपारण में जितने शेयर क्रॉपर्स थे वो सब वहाँ पर उनके मालिक जो थे वो कैसे इंग्लिशमैन के अंतर्गत काम होता था, मतलब जमींदार लोग उनसे काम कराते थे और ये इंडियन टेनेंट्स यानी छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग होते थे यहाँ पर काम किया करते थे। वहाँ के जो मुख्य व्यवसाय कॉमर्शियल, मतलब ऐसी फसल जिससे हमको नगद राशि प्राप्त हो, तो जो कॉमर्शियल क्रॉप थी वहाँ की वो इंडिगो या नील थी। जो जमींदार हुआ करते थे वो सारे इन कार्यकर्ताओं को, जितने ये टेनेंट्स हुआ करते थे, इन सबको क्या करते थे, किराएदारों को फसल इंडिगो के साथ 20% 3/20 भी हिस्सा या 15% उनको उनका शेयर देते थे और बाकी की जितनी नील होती थी या जितना पूरा क्रॉप होती थी हार्वेस्ट था वो सब उनसे लगान के रूप में वसूल लेती थी। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और ये सब एक बहुत लंबे अनुबंध के तहत हुआ करता था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, दे thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. जमींदारों को अभी हाल में जब पता चला कि जर्मनी ने कौन सा फॉर्मूला डेवलप कर लिया है सिंथेटिक नील बनाने का, तो अब उनको ये समझ में आया कि नहीं, अब हम ये नील से बने इसमें इतना टाइम एक्सपेंड क्यों करें, इसलिए वो फ्री होना चाहते थे उस एग्रीमेंट से जो उन्होंने शेयर क्रॉपर के से किया था कि हम तुमको 15% व्यवस्था से तुम्हें देंगे इसमें से, तो वो चाह रहे थे कि हम इन व्यवस्था से मुक्त हो जाएं और हम अपने हिसाब से काम करें। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज एक्सम टू द पीजेंट एंड मैनी साइंड विलिंगली, दोज हु रेजिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स, द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed, and they wanted their money back. अब क्या हुआ? जब ये सब जमींदारों को पता चला कि कृत्रिम नील विकसित हो गया है, तो उन्होंने 15% व्यवस्था से मुक्त होने की बात करी। जिनने इसका विरोध किया, क्योंकि ये जो व्यवस्था आ गई थी, ये बहुत अजीब टाइप की व्यवस्था थी, तो कई ने क्या किया? चलो उस वक्त स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए, और कुछ लोगों ने क्या किया? हस्ताक्षर नहीं किया, इसका विरोध किया। तो जो लोग विरोध किए वो कहाँ पहुँच गए? वकीलों के पास पहुँच गए। और इस प्रकार से कई जमींदारों ने ठग लोगों को काम पे रख दिया। लेकिन इस बीच में कृत्रिम नील के बारे में बहुत सारी जानकारी अनपढ़ किसानों तक पहुँच गए, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, वे भी अब अपना पैसा वापस मांगने लगे। नेक्स्ट देखें बच्चों। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी समय क्या हुआ, इस व्यवस्था के तहत गांधी जी कहाँ पहुंच गए? चंपारण पहुंच गए। He began to trying to get the facts. First he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information and to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. तब उन्होंने क्या किया, गांधी जी जब यहाँ पर पहुंचे चंपारण और इंडिगो की ये व्यवस्था देखी, शेयर क्रॉपर्स की ये स्थिति देखी, तो वो तथ्यों की जानकारी जुटाने में लग गए, क्योंकि वो खुद एक लॉयर रह चुके थे। सबसे पहले वो कहाँ गए? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गए। उन्होंने उनसे बोला कि क्या आपके पास कोई सूचना है इस बारे में, तो उनने कहा कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को सूचनाएं प्रदान नहीं करते। तब फिर उनने बोला कि नहीं नहीं, गांधी जी ने कहा कि मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ। Next, Gandhi ji called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. इसके बाद गांधी जी कहाँ चले गए? तिरहुत डिवीजन के वहां चले गए, जिसके अंतर्गत चंपारण डिस्ट्रिक्ट आती थी। वहां पर वो कहाँ मिले? ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से जाकर के बात की, जो कि चंपारण जिले में अंतर्गत आता था। Several lawyers accompanied him at the railway station. A vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and using it as headquarters, continued his investigations. अब यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी जब वहां पर पहुंचे और उनको कोई ज्यादा अच्छा आंसर नहीं मिला, तो वो फिर कहाँ पहुंच गए? तिरहुत। वहां पहुंचने के बाद में कमिश्नर से बात की, उन्होंने
बहुत सारी इंफॉर्मेशन जुटाने की बात की, पर ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले तो वहां पर भी उसने क्या किया, उनको धमकाया और उनने कहा कि आप तिरहुत को छोड़ दें। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने तिरहुत नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। अब इसके बाद वो कहाँ गए, मोतिहारी जगह गए। सेवरल लॉयर्स एकॉम्पनीड, बहुत सारे वकील उनके साथ हो लिए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, और जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहाँ बहुत सारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, इसके बाद वे एक घर गए जहाँ पर, जहाँ को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पर भी वो अपनी खोज और जाँच जारी रखे। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन maltreated in a nearby village, वहाँ पर उनको एक सूचना प्राप्त हुई कि पास के गांव में एक किसान को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। गांधी decided to go and see, तो गांधी जी ने निश्चित किया कि हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे। The next morning he started out on the back of an elephant, अगली सुबह वो उठ करके जब हाथी पर बैठ करके निकले। He had not proceeded far when the police superintendent's मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन, तो वहाँ से जब उनको जाने नहीं दिया गया, जाने आगे मिलने भी नहीं दिया गया उस किसान से, उनको वहीं रोक लिया क्योंकि जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट थे उनने एक दूत को भेजा था कि अब आप गांधी जी को बोलो कि वो अपने टाउन में वापस लौट जाए, वहाँ उससे मिलने ना जाए। गांधी कंपेल्ड कंप्लाइड, द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड विथ हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमिडिएटली। जब गांधी जी वापस वहीं घर पर पहुंचे तो गांधी जी को एक मैसेंजर ने क्या किया, घर पर जाकर के एक ऑफिशियल नोटिस थमा दिया जिसमें लिखा हुआ था कि आप तुरंत ही चंपारण छोड़ दें। क्यों छोड़ दें, कहीं उनको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि गांधी जी कोई बहुत बड़ा आंदोलन न कर बैठे। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओवे द ऑर्डर। गांधी जी ने उसको नोटिस को क्या किया, रिसीव कर लिया और उस रिसीव पे लिख दिया कि वो इस आदेश को नहीं मानेंगे, इस आदेश की अवज्ञा करेंगे। इन कंसीक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। उसके बदले क्या हुआ, गांधी जी को फिर से एक सम्मन प्राप्त हुआ कि चलो अब आप कोर्ट में अगले दिन हाजिर हो जाओ। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ influential friends, he sent instruction to the ashram, he wired a full report to the viceroy. पूरी रात गांधी जी जागते रहे, थोड़ा परेशान थे, उन्होंने फिर टेलीग्राफ किया राजेंद्र प्रसाद जी को कि तुम अपने बहुत सारे प्रभावशाली दोस्तों के साथ बिहार से आ जाओ। इसके बाद उन्होंने आश्रम के लिए कुछ निर्देश भेजे, उसके बाद उन्होंने पूरी रिपोर्ट उस घटना की बना के वायसराय को भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट, सुबह ही अगली क्या हुआ कि मोतिहारी का जितना हिस्सा जहां पर ये था वहां पर पूरा ब्लैक विथ पीजेंट, मतलब किसानों के काले सिर, मतलब इतनी अधिक संख्या में किसान जो है वहां पर इकट्ठा हो गए। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उनको साउथ अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन और उनके प्रभाव के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उनको बस इतना ही पता था कि एक महात्मा जो कि उनकी मदद के लिए आया है वो कुछ अधिकारियों के द्वारा क्या है, परेशान हो रहा है। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of the British. उनका हजारों की संख्या में ऐसे अचानक से जो प्रदर्शन था उसने ये बता दिया कि अब उनको ब्रिटिश हुकूमत से डर से मुक्ति मिल चुकी है, वो अब शुरुआत कर चुके हैं ब्रिटिश हुकूमत के डर से मुक्ति की। The official felt powerless without Gandhi's cooperation, जितने अधिकारी थे वो सब अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे जब तक कि गांधी जी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। He helped them regulate the crowd, गांधी जी ने उल्टे पूरी भीड़ को नियंत्रित करने में उन अधिकारियों की मदद की। He was polite and friendly, वो बहुत विनम्र और दोस्ताना माहौल के लग रहे थे। He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned,
could be challenged by Indians. अब वहां पर वो सब क्या है, अपने आप को एक कारियों को इस बात का पूरा पक्का सबूत मिल गया कि उनकी जो ताकत है, उनके जो इतने खतरनाक हथियार हैं, इन सारी चीजों के आगे भारतीय शक्ति जो है, जो भीड़ की शक्ति थी जो गांधी जी की थी, वो इंडियंस के द्वारा या भारतीयों द्वारा चुनौतीपूर्ण महसूस किए जा रहे थे। तो बच्चों ये था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का